हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन जैन एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ साथ मैंने कॉमर्स के दो प्रोफेशनल कोर्सेज और किए हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA एंड कंपनी सेक्रेटरी CS। इन कमर्शियल कोर्सेज के साथ साथ मैंने कुछ ग्लोबली सर्टिफाइड टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज भी किए हैं। वन इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर CISA बाय इसाका इंस्टीट्यूट USA, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट DISA बाय ICAI एंड सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बाय EC काउंसिल USA। मैं मिटकरी सर कैप से जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं यहाँ पर EISSM सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 6 साल से टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। पहले आपका CA IPCC में ITSM सब्जेक्ट हुआ करता था, बट ICAI को समझ में आया कि सिर्फ IT स्टूडेंट्स के लिए सफिशियंट नहीं है एंड IT का नॉलेज जनरली आपके साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग लेते हैं, तो उसमें CA का क्या रोल रहेगा। तो CA का रोल तब आता है जब आप बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब आप एक बिजनेस को टेक्नोलॉजी का फ्लेवर देते हैं। तो उसके लिए ICAI ने एक कोर्स डिज़ाइन किया एंड इट इज़ एन एक्सीलेंट कोर्स फॉर योर फ्यूचर एंड इट इज़ EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द फ्यूचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज 3-3.5 साल बाद जब आप CA बनेंगे तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी कोविड में आपने सिचुएशन देखी ली, सारे बिजनेस बंद है, सिर्फ टेक्नोलॉजी है जो कंटिन्यूसली बूम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है। तो जब CA ऑडिट करने जाएगा या CA अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो उसको भी टेक्नोलॉजी की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसीलिए EIS सब्जेक्ट लाया गया। अब धंधे को चलाने के लिए स्ट्रेटजी लगेगी। अब स्ट्रेटजी आपको कहाँ मिलेगी? तो स्ट्रेटजी के लिए उन्होंने एक और पार्ट लेकर आए, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जहाँ पर आपकी लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल की सारी स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में समझाया गया है। अब जब आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है और कॉमर्स की स्ट्रेटजी पढ़ना है तो किससे पढ़ना? ऑब्वियसली आपके फैकल्टीज को टेक्नोलॉजी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और कॉमर्स का भी। तो इसीलिए मैंने कॉमर्स के तीनों महारथियों को अपनाया, CA CS CMA, और टेक्नोलॉजी के भी तीनों महारथियों को परास्त किया, CISA DISA एंड CEH। अब एक जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है एग्जाम्स में लिखने की। एंड ये प्रॉब्लम या तो आपको समझ में नहीं आया कंसेप्ट तब आती है, आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे तब आती है, या तो आप उसको लिखने में कैपेबल नहीं है, आप प्रॉपरली उसको लिख नहीं पा रहे, उन कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, तब आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो आपकी ये तीनों प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन एंड राइटिंग को सॉल्व करने के लिए वी आर कमिंग विथ अ टेक्निक कॉल्ड SUR। SUR टेक्निक से हम आपकी तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि बच्चों को लगता है कि सर फैकल्टीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं, हमेशा वो रैंक लाते हैं, या फिर उन्होंने डार्कर साइड नहीं देखा। तो ऐसा नहीं है। मुझे CA फाइनल में 2 अटेम्प्ट्स लगे, एक ग्रुप एक अटेम्प्ट में, दूसरा ग्रुप दूसरे अटेम्प्ट में। तो मुझे पता है कि क्या गलतियाँ हैं जिससे हमारा अटेम्प्ट लूज़ होता है। मतलब आई कैन शेयर विथ यू कि बॉस आप गलत कहाँ पर हो, हमसे क्या गलतियाँ हो रही हैं जिस कारण हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। एंड ये गलतियाँ ऐसी होती हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलतियाँ कर रहे हैं। सो वी कैन डिस्कस अबाउट दीज मिस्टेक्स टू। ऑल्सो आई नो हाउ टू स्कोर रैंक, आई हैव स्कोर्ड AIR 25 इन CMA इंटर। तो फेलियर से लेकर रैंक होल्डर बनने तक क्या सफ़र होता है एंड उसको कैसे अचीव करना, वी कैन डिस्कस वेरी वेल। एंड आपस में कनेक्ट करने के लिए वी आर कमिंग विथ 2 ऑप्शंस। वन इज लाइव ऑनलाइन क्लासेस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of June 2020, एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑफ वीडियो क्लासेस। एंड यदि आप वीडियो क्लास भी ऑप्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिकॉज हर 2 दिन में हम लाइव आपसे मिलेंगे, जहाँ पर आप आपके सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं एंड हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा कि सर जब हमारे क्लासेस हो जाते हैं और जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बीच का पीरियड है,
इसमें यदि मुझे कुछ डाउट्स आते हैं तो उसका क्या? तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें MCQs, केस स्टडीज, एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, अपडेट्स आते हैं, वो भी हम वहाँ पर देंगे, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि मिटकरी सर कैप्स की पूरी टीम आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में एंड उससे ज़्यादा हर कंसेप्ट को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। तो मिटकरी सर की टीम को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली www.capsacademy.in पर जाके रजिस्ट्रेशन करिए एंड हम बहुत जल्द आपके पास आ रहे हैं आपके साथ रूबरू होने, आपके एक फ्यूचर के, ब्राइट फ्यूचर का एक पार्ट बनने के लिए। थैंक यू।